रूबा रूबा एक मेरा प्यारा जुड़वा भाई, देखो है कैसे सो रहा है मजे से बादलों के ऊपर। समझता तू अपने आप को बहुत होशियार ना? अभी हूँ निकालता मैं तुम्हारी सारी होशियारी और हूँ बनाता अभी मैं तुम्हें खरगोश हमेशा हमेशा के लिए। रूबा रूबा एक बन गया खरगोश। वाह, ये कमाल का यंत्र, बना देंगे इसी तरह पृथ्वी लोक के सारे बच्चों को हम खरगोश हमेशा हमेशा के लिए। हे आने वाला मजा बहुत। रूबा रूबा एक बने रहो ऐसे ही खरगोश। चूहा बनाया मैडम। हाँ, मैंने भी बच्चे को चूहा बनाया काकली। हम कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों को चूहा बनाने की। बहुत सारे नहीं, सारे बच्चों को चूहा बनाना है काकली को, क्योंकि बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। हम भी यही चाहते हैं काकली, लेकिन आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हैं। बच्चे समझदार नहीं हुए बल्कि तुम सब डायने काम की नहीं हो। तुम सबने काकली का नाम खराब कर दिया है।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं खुद जाऊंगी पृथ्वी लोक और एक एक बच्चे को चूहा बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। स्कूल बैग नहीं लेकर जाने पड़ रहे हैं। हिस्ट्री सेमिनार का एक फायदा तो पहले ही हो गया। हाँ ये बात तो है, मैं तो कहती हूँ ये डेली होना चाहिए, फिर तो कितना मजा आएगा। और हाँ, सारी पढ़ाई कंप्यूटर्स में होनी चाहिए, फिर बच्चे पढ़ने से ज्यादा कंप्यूटर गेम खेलेंगे। हाँ, कुछ भी। आप मेरी हेल्प करोगे? हाँ हाँ बताइए ना। यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी कहाँ से मिलेगी? यहाँ से सीधा जाइए और पहला राइट मारिए, वहीं पे है टैक्सी स्टैंड, आपको वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर आंटी। एक मिनट, आपको चॉकलेट तो अच्छी लगती है ना, क्यों नहीं लगती होगी, सभी बच्चों को अच्छी लगती है। दो ना। जल्दी खा, फिर मैं तुझे चूहा बना दूंगी, क्योंकि बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। अरे बेटा, सिर्फ खाने पीने की नहीं, किसी भी अनजान आदमी से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। सॉरी आंटी, मैं ये चॉकलेट नहीं खा सकता, आप ये चॉकलेट वापस रख लीजिए। मानव क्या कर रहा है, जल्दी चल, देर हो जाएगी। हाँ आया। बेटा गई रात से सुबह, पर नहीं खुली अभी तक नींद इस महाजी परी। परी भयंकर, एक तरफ है ये सुस्त निकम्मी नकारा परी भयंकर, और है दूसरी तरफ ये चुस्त चालाक और चौकन्ना तोबा तोबा। खेल कर अपनी जान पर फूल आया मैं ये काल चित्र यंत्र, पर है नहीं मेरी कोई कदर इस काम चोर परी भयंकर। अरे परी भयंकर, आप आ गई, आप कर रहा था मैं तो आपकी ही तारीफ। ये देखिए है क्या कमाल की चीज लाया, ये शूरवीर महान योद्धा तोबा तोबा आपके लिए। अरे है ये काल चित्र यंत्र, खींचो के अगर इससे किसी की भी तस्वीर तो बन जाएगा वो खरगोश हमेशा हमेशा के लिए। अरे भयंकर,
है क्या सोच रही है? अरे चली कहाँ गई आप परी भयंकर? ओ परी भयंकर! ये दुर्गा बापू की आवाज? रानी परी, ये सुरक्षा बोबो किसी विपत्ति की सूचना क्यों दे रहा है? हाँ रानी परी, ये बोबो तो तभी बचता है जब परीलोक में कोई अनहोनी घटना घट चुकी होती है। सही कहा अटकाती परी आपने, यही है वो अनहोनी घटना। ये खरगोश? खरगोश? हूँ नहीं मैं खरगोश, हूँ मैं आपका प्यारा डुबा डुबा एक, परंतु अब बन गया हूँ मैं खरगोश। पर डुबा डुबा एक तुम खरगोश कैसे बन गए? अरे नहीं पता मुझे कि गया बन में कैसे खरगोश था, सोया मैं तो आराम से बादलों के ऊपर। अरे उठा जब मैं सोके तो देखा कि हूँ बन गया मैं खरगोश। परियों लीजिए बचा मुझे, दीजिए बना मुझे फिर से डूबा डूबा एक। रानी परी, परियो कुछ समझ में आया? हाँ बाल पर, हम सब कुछ समझ गए। परियो चलिए हमारे साथ जल्दी। जी रानी परी। अरे कहाँ रह गया था? नहीं इंटेलिजेंट चिल्ड्रन को देखा? हाँ बॉस, वो तो रोज देखते हैं। हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बेवकूफो ठीक से देखो, मैंने आज स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहना, ना स्कूल की बैग पहनी है। अरे मोंटू बॉस, ये लोग हिस्ट्री सेमिनार के लिए जा रहे हैं और आप भी क्या एकदम बच्चों जैसे सवाल पूछे। हाँ बॉस, थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करो अपना, बिल्कुल हमारी तरह। तुम लोग ये हिस्ट्री सेमिनार के लिए जा रहे हैं और तुम लोग ने मुझे बताया नहीं। तुमने ये बात मुझसे छुपाई? ये दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें इस जाबर कर खिलाया, इतनी जरूरी बात नहीं बताई कि सॉरी। चलो टेप रिकॉर्डर के जैसे शुरू हो जाओ और मुझे बताओ मैं क्या क्या पता है। बॉस वो लोग होटल ग्रीन विलेज में ठहरने वाले हैं। हाँ, और उनको वहाँ पढ़ाई से मुक्ति है और वो वहाँ ऐश करेंगे। हाँ मस्त मस्त गाना गाएंगे, फिर एसी में सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर मस्त मस्त गाना गाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सोते उठेंगे, फिर मस्त मस्त गाना गाएंगे और फिर सो जाएंगे, फिर सोते उठेंगे, फिर मस्त मस्त गाना गाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सोते उठेंगे, फिर मस्त मस्त गाना गाएंगे, फिर सो जाएंगे। अब मैं तुम दोनों को सुनाऊं? तो अपनी बकवास बंद करो। क्यों, अब आप बकवास चालू करोगे? हाँ उनका वो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन वहाँ हिस्ट्री सेमिनार में जाके मजाक करेंगे और हम यहाँ खड़े रहकर भजन करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। क्या हो नहीं सकता मंटू? सर हमें यहाँ नहीं रहना है। अरे वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ ना रहो, जाओ चले जाओ चले जाओ। सर मेरे कहने का मतलब है हमें भी हिस्ट्री के सेमिनार में जाना है। हिस्ट्री के सेमिनार में जाना है? अरे मंटू हिस्ट्री के सेमिनार है, शरारते करने के नहीं। चुप। तो क्या हुआ सर, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है। अच्छा तो तुमने हिस्ट्री पढ़ी है, वेरी गुड। तो बताओ हमारे देश को आजादी किसने दिलाई? सर मैंने तो नहीं दिलाई थी, जिसने दिलाई थी उसको पूछ लीजिए ना। वाह बॉस वाह, क्या सेंसेबल जवाब दिया आपने, वाह। अब तो हमारा सेमिनार में जाना पक्का। क्यों सर? नराप, तुम तीनों में से कोई भी सेमिनार में जाने के लायक नहीं है। इतलास। बॉस, ये तो आपकी इंसल्ट, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा बॉस, कुछ। हेलो पापा,
रानी परी, हमारा डर सही निकला, यहाँ कालचित्र यंत्र नहीं है। परियों, इसका अर्थ ये है कि वो यंत्र किसी बुरी शक्ति के हाथ में लग गया है और उसी बुरी शक्ति ने डुबा डुबा एक को खरगोश बना दिया। हाँ रानी परी, अब तो ये बहुत ही चिंता की बात है। रानी परी, अब क्या होगा? परियों, हमें जल्द से जल्द उस यंत्र को ढूंढना होगा। अगर वो यंत्र बुरी शक्ति के पास ज्यादा देर तक रहा तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जायन के काकलों में तुम्हारा स्वागत है भयंकर परी। मैं बहुत खुश हूं कि खुद भयंकर परी मुझसे मिलने आई। परी भयंकर है आई यहाँ आपको कुछ ऐसा देने जिससे दे सकते हो सजा पृथ्वी लोक के बच्चों को सदा सदा के लिए। तो फिर जल्दी बताइए भयंकर परी, अब और इंतजार नहीं होता क्योंकि बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। हाँ भयंकर परी जल्दी बताइए। बुराई को जिताने के लिए और सच्चाई को हराने के लिए भयंकर हमेशा तुम्हारे साथ। दायनो पाकली जी, है ये वो अद्भुत यंत्र जो है देने आई परी भयंकर आपको यहाँ पर। डरा क्यों रहे हो आप मुझे? कैसे ये तो कालचित्र यंत्र है। अगर इस यंत्र से किसी का चित्र खींचो तो वो खरगोश बन जाता है। क्या कमाल का यंत्र लाई हो तुम मेरे लिए। अब मैं सारे पृथ्वी लोक के बच्चों को खरगोश बना दूंगा।